गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले कि कामधेनु इंडस्ट्री जो आता है स्टील, उसकी क्वालिटी एक्चुअल में क्या है, उसके साथ साथ कंपनी प्रोफाइल क्या है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी स्टील है कि नहीं है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे हम लोग, तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। देखिए कामधेनु दिख रहा है आपको, स्टील जो है आउटर सर्फेस इसका है, ठीक है। रिप्स वगैरह दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिखा है कामधेनु लिखा रहता है, ठीक है। तो बेसिकली कामधेनु आपका प्राइमरी स्टील नहीं है, ये सेकेंडरी में आता है। बहुत ज़्यादा डिमांड इसका मार्केट में, क्योंकि आपका चीप रेट पे मिलता है प्राइमरी के, एज कम्पेयर टू टाटा। अगर कंपेयर करेंगे टाटा जिंदल JSW से, तो आपका इसका रेट डिफरेंस रहे, कम से कम अगर केजी में जाएंगे तो 10 रुपये का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्टील जो है, इसका रिप्स वगैरह देख लीजिए, रिप्स से ही समझ में आ जाता है। क्वालिटी जो इसका है एज कम्पेयर टू टाटा बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। ये 500 FE 500 बनाते हैं, बट अगर आप उस स्टील को जाके आप चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे आप उसको, तो 500 स्ट्रेंथ भी निकल के नहीं आएगा, नियर अबाउट 450-400 निकल के आएगा, ठीक है। तो वो जो ग्रेड का स्टील जो बनाते हैं कामधेनु, वो उनका गेज में भी डिफरेंस, गेज इन द सेंस कि जो सरिया होता है, सरिया का मोटापा, ठीक है, मोटाई, उसमें भी डिफरेंस निकल के आता है। तो जो स्टील का गेज में डिफरेंस आएगा, तो उसके स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस आ ही जाएगा, ठीक है। और रिप्स ये देखिए, रिप्स का डिज़ाइन देखिए, ऐसा रिप्स बिल्कुल कंस्ट्रक्शन में नहीं चलता है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का पर्पज़ ये है कि आप इस स्टील को अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपने पूरे बिल्डिंग में खड़ा कर दें इस स्टील को लगा के, तो ये गलत है। ऐसा सरिया मत लगाइए आप अपने कॉलम में, फाउंडेशन में। आप इसको स्लैब में, ढलाई में इसको यूज़ कर सकते हैं, विद द कम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी स्टील एंड सेकेंडरी स्टील। इसको मतलब आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार में यूज़ कर सकते हैं, और मेन बार में आप प्राइमरी स्टील यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब हमारा ये है कि आप इसको अगर घर बना रहे हैं G+1 का या फिर G+2 का, तो आप इसको कॉलम में ना यूज़ करें, कॉलम में हमेशा प्राइमरी स्टील यूज़ करें, जैसे कि हमने प्राइमरी स्टील बताया है, ठीक है। तो प्राइमरी स्टील यूज़ करें कॉलम में, फाउंडेशन में, उसके साथ साथ आप प्लिंथ बीम में भी कॉलम प्राइमरी स्टील यूज़ करें। अगर आपका बजट नहीं है तो आप इस पर जा सकते हैं, बट इसका स्ट्रेंथ नहीं है, एकदम फैक्ट बता रहे हैं आपको हम, चेक करके आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अगर नेट पे सर्च करेंगे इस स्टील के बारे में, इस कंपनी के खुद के प्रोफाइल पे, कंपनी के प्रोफाइल पे भी जाएंगे ना, तो सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं भी टेस्टिंग सर्टिफिकेट इस कंपनी का नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम भी सर्च किए हैं काफ़ी, तो सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली कहने का पर्पज़ बस हमारा यही था कि अगर आप घर बना रहे हैं, तो आप काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ही, सोचने के बाद ही अपना ड्रीम होम बनाते हैं। तो मेरा सजेशन है कि यूज़ ऑलवेज प्राइमरी स्टील इन कॉलम बीम प्लिंथ में हम स्लैब, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते, कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।